नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। मछीमारी के व्यवसाय से जुड़े मछुआरों को काम के बाद पैसों की लेन देन को लेकर की गई पिटाई, परिजनों ने व्यक्त की नाराजगी। बलसाड सुगर फैक्ट्री के पास एक खड़ी ट्रक में टकराया था टेम्पो, घटना में टेम्पो चालक फंसा था कैबिन में। पाड़ी तहसील के खुंटेज गांव में पिकअप टेम्पो और पल्सर बाइक के बीच हुई दुर्घटना में बाइक चालक की हुई थी मौत। अब समाचार विस्तार से। बलसार के मच्छीमारी के व्यवसाय के साथ जुड़े कामदारों को पैसों के लेन देन को लेकर मुंबई में पिटाई की गई हो, परिजनों में फैली नाराजगी, पुलिस से न्याय की गई मांग। प्राप्त माहिती के अनुसार बलसार के डुंगरी गाँव में रहते और मुंबई समुद्र तट से फिशिंग का व्यवसाय करते पिता पुत्र शांतिलाल पूना भाई टंडेल और उनका लड़का महेश शांतिलाल टंडेल, जिनके द्वारा बलसाड़ के मोटी दांती और बलसाड़ के तटीय क्षेत्र में रहते छोटे बड़े मछुआरों को नाव में मच्छीमारी के व्यवसाय के लिए लेके जाते हो। दोनों पिता पुत्र ने काम के लिए आते कामदार को पैसे की लेन देन को लेकर पिटाई करने की घटनाएं कई बार सुनने में आई है। तो 27 दिसंबर को भी बलसाड़ दांती गांव में रहते महेश भाई टंडेल और अन्य 3 से 4 मछुआरे मुंबई की भाउचा धक्के पर से चोट खाई हालत में मिले थे, जिनको कार के जरिए परिजन घायल अवस्था में घर पर लाए थे। पर महेश भाई के शरीर पर गंभीर चोटों को देख के उन्हें तुरंत 108 एम्बुलेंस के जरिए बलसाड़ की सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया था, जहाँ महेश भाई के हालत गंभीर दिखाई दिए थे। घटना को लेकर पुलिस को जानकारी मिलते पुलिस ने महेश भाई की जुबानी लेकर आगे की जांच शुरू की है। तो महेश भाई के परिजनों ने नाराजगी व्यक्त की थी और इस तरह काम के लिए ले जाकर जुल्म गुजारने वाले, पिटाई करने वाले नाव के मालिक के खिलाफ बलसाड़ पुलिस सख्त से सख्त कार्यवाही कर योग्य कदम उठाया जाए, ऐसी मांग परिजनों ने की थी। वलसाड नेशनल हाईवे नंबर 48 शुगर फैक्ट्री के पास मुंबई से सूरत की ओर जाते ट्रैक पर एक खड़ी ट्रक में टकराया था टेम्पो। बलसाड़ के नेशनल हाईवे नंबर 48 शुगर फैक्ट्री के पास मुंबई से सूरत की ओर जाते ट्रैक पर चंद्रमौलेश्वर मंदिर के सामने एक ट्रक के पहिए में पंचर होते ट्रक चालक ने पंचर बनाने के लिए ट्रक को साइड में खड़ी की थी। उस दौरान शुगर फैक्ट्री की ओर से तेज गति से आ रहे टेम्पो नंबर GJ08AV6807 के चालक ने अपना टेम्पो खड़ी हुई ट्रक में टकरा दिया था। इस दुर्घटना में टेम्पो चालक कैबिन में फंस गया था, पर बड़ी जानहानि नहीं हुई थी। दुर्घटना होते आसपास के लोग पहुंचे थे और टेम्पो के कैबिन में फंसे चालक को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत की थी। दुर्घटना के चलते मुंबई सूरत हाईवे जाम हुआ था। घटना के बारे में बलसाड़ रूरल पुलिस को जानकारी मिलते तुरंत पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी और घायल चालक को 108 एम्बुलेंस के जरिए उपचार के लिए बलसाड़ की अस्पताल में ले जाया गया था। पाड़ी तहसील के खुंटेज गांव में पिकअप टेम्पो और पल्सर बाइक के बीच हुई दुर्घटना में गंभीर चोट के चलते बाइक चालक की हुई थी मौत। पाड़ी तहसील के खुंटेज गांव में निशाल फलिये में मार्ग पर पल्सर बाइक और पिकअप टेम्पो के बीच दुर्घटना हुई थी। आमने सामने हुई टक्कर की इस दुर्घटना में गंभीर तरीके से घायल बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हुई थी। परिया से गोईमा की ओर जाते मार्ग पर मंगलवार की शाम को खुंटेज निशाल फलिया में आए मोड़ पर परिया की ओर से आ रही पल्सर बाइक नंबर GJ15DC9637 और गोईमा से आ रहे पिकअप टेम्पो नंबर DN09V9478 की आमने सामने टक्कर हुई थी। मोड़ को लेकर दोनों वाहन दिखाई नहीं देते, दोनों वाहनों के बीच टक्कर हुई थी। इस दुर्घटना में बाइक चालक गंभीर तरीके से घायल होते घटनास्थल पे ही उसकी दर्दनाक मौत हुई थी। घटना के बारे में पुलिस को जानकारी मिलते पार्टी पुलिस घटनास्थल पे पहुंची थी और 108 एम्बुलेंस के जरिए मृतक के परिजनों को बुलाकर शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने PM के लिए अस्पताल भेज दिया था। मृतक युवक धर्मपुर के खारबवाड़ा गाँव का रहने वाला अजीत लाघणी गढ़वी उम्र वर्ष 30 साल होने का बाहर आया था और पिकअप टेम्पो के चालक नितिन भाई चिमन भाई पटेल बुरुकुड़ फलिया टोकरखाड़ा सिलवासा को गिरफ्तार कर पार्टी पुलिस थाने में ले जाया गया था। बलसाड़ तहसील के अटक पार्टी गांव में आए एसटी बस के एक निवृत्त कर्मचारी के घर में चोरों ने किया था हाथ सफाया।
बलसाड़ तहसील के अटक पार्डी गांव में टेकरा फलिये में जयसी छोटू भाई पटेल अपने परिवार के साथ रहते हैं। जयसी पटेल एसटी बस के निवृत्त कर्मचारी है। जयसी पटेल बलसाड़ के अब्रामा में गोकुल धाम सोसाइटी में रहते हैं। साड़ू भाई के यहाँ कुछ काम के लिए गए थे, उस दौरान तस्करों ने बंद घर के दरवाजों को नुकीली चीज से तोड़कर अंदर से स्टॉपर लगाकर दरवाजा बंद कर अलमारी में रखे चांदी के पायल, चांदी के लूजर दो मिलाकर कुल 10,000 की चोरी कर चोर फरार हो गए थे। घर मालिक को चोरी के बारे में मालूम होते तुरंत घर पर पहुंचे थे, जो कि तिजोरी में रखे सोने के गहने सही सलामत थे। जयसी भाई ने बताया कि चोरों से तिजोरी नहीं खुलते, चोर पीछे के रास्ते से चले गए थे, जो कि 5 लाख के गहनों की चोरी होते होते रह जाते परिवार ने भगवान का आभार प्रकट किया था। घटना को लेकर बलसाड़ रूरल पुलिस को जानकारी दी गई थी। उमरगाम कोस्टल हाईवे पर एएसपी द्वारा ओवरलोड वाहनों के सामने सख्त कार्यवाही करते वाहन चालकों में फैली फफड़ाहट। उमरगाम तहसील के कोस्टल हाईवे पर मिट्टी, रेत और कपची भरकर जाते डंपर के सामने एएसपी श्रीपाल रेशमा ने कार्यवाही करते आरटीओ के नियमों का भंग करने वाले डंपर चालकों में फफड़ाहट फैल गई है। उमरगाम नारगोल कोस्टल हाईवे पर बुधवार के रोज वापी विभाग के एएसपी श्रीपाल रेशमा ने डंपर और अन्य मालवाहक वाहनों को रोककर रॉयल्टी और वाहनों में भरे माल के वजन, परमिट इत्यादि की जांच करते कई वाहन ओवरलोड माल भर कर जाते होने का और कई वाहनों में परमिट न ली हो ऐसे वाहनों के सामने कानूनी कार्यवाही की थी। अंदाजित 7 से ज्यादा वाहनों को उमरगाम मरीन पुलिस थाने में कतार में खड़ा कर देते कोस्टल हाईवे पर ओवरलोड माल भरकर दौड़ रहे अन्य वाहन चालकों में फफड़ाहट देखने को मिली थी। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। मछीमारी के व्यवसाय से जुड़े मछुआरों को काम के बाद पैसों की लेन देन को लेकर की गई पिटाई, परिजनों ने व्यक्त की नाराजगी। बलसाड़ सुगर फैक्ट्री के पास एक खड़ी ट्रक में टकराया था टेम्पो, घटना में टेम्पो चालक फंसा था कैबिन में। पाड़ी तहसील के कुंटेज गांव में पिकअप टेम्पो और पल्सर बाइक के बीच हुई दुर्घटना में बाइक चालक की हुई थी मौत। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।